हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करियो, वीडियो को लाइक करियो और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज़ आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं फैंटास्टिक फोर के बारे में, जो कि ईयर 2015 में आई थी और 2005 और 2007 वाली फिल्म्स की एक रीमेक थी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑलराइट देन, लेट्स बिगिन द शो। फिल्म की शुरुआत होती है ऑयस्टर बे न्यूयॉर्क से, ईयर 2007। यहाँ पे स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो कि एक स्पीच दे रहे हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। फिर नंबर आता है रीड रिचर्ड्स का, जो कि एक बहुत ही पढ़ाकू बच्चा है एंड वो अपने बारे में कुछ अलग ही सोचता है, वो दुनिया के बारे में कुछ अलग ही सोच रखता है। जब उसकी बारी आती है, उससे कहा जाता है कि स्पीच दो कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो बताता है कि मैं फ्यूचर में जाके एक ऐसी मशीन बनाना चाहता हूँ जो कि टेलीपोर्ट कर सकती है, यानी कि इधर से उधर लोगों को लेके जा सकती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। और उसने एक ऐसी मशीन बना भी ली है जो कि उसके घर के गैराज में है और उसे उसका नाम रखा है बायो मैटर शटल। और यहाँ पे जो टीचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि ये मजाक का वक्त नहीं है, जाओ जाके असाइनमेंट फिर से करके लेके आना। लेकिन क्लास में एक और बच्चा था जिसका नाम है बेन ग्रिम, वो काफ़ी ज़्यादा फॉन्ड हो जाता है उसके आइडिया से, उसका इनोवेशन से। और हम तभी ये देखते हैं कि जो बेन ग्रिम है, दरअसल में उसका एक जंकी आइडिया, फिर उसका एक कबाड़ खाना है एंड वहाँ पे रात को रीड रिचर्ड्स कुछ चोरी करने के लिए जाते हैं और बेन उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं। बेन पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो रीड बताते हैं दरअसल में जो मेरी टेलीपोर्टेशन वाली मशीन है उसके लिए मुझे पावर कन्वर्टर की ज़रूरत है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो शायद सक्सेसफुली हम उसको तैयार भी कर लें। बेन उसकी मदद करता है, वो पावर कन्वर्टर को लेके जाते हैं और अपनी टेलीपोर्टेशन मशीन को शुरू करते हैं। यहाँ पे होता ही है कि वो एक टॉय कार या फिर एक मॉडल कार को रखते हैं एंड उसको टेलीपोर्ट करते हैं इधर से उधर। लेकिन जब उसको वापस बुलाया जाता है तो यहाँ पे कुछ मिट्टी होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं। यहाँ पे उनको लगता है कि शायद वो कार जहाँ पे गई है उसी जगह की मिट्टी और रॉक्स यहाँ पे आके हमको मिल गए हैं। लेकिन इसी बीच होता ही है, वो टेलीपोर्टेशन मशीन इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि उस एक एक्सपेरिमेंट में पूरे शहर की बिजली चल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल मशीन बनाया था रीड रिचर्ड्स ने। अब कहानी बढ़ती है 7 साल आगे, यानी कि ईयर 2014। रीड और बेन बचपन से ही पार्टनर्स बन गए थे एंड अपने मॉडल को इधर से उधर वो लेके जाते रहते हैं। अभी आए हैं एक साइंस फेयर में। साइंस फेयर में जब अपना मॉडल दिखाते हैं यूजिंग एन एयरप्लेन, तो जजेस को उनका मॉडल पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि तो कोई बेफिजूल की एक तुमने मैजिक ट्रिक दिखाई है। वो यकीन ही नहीं कर पाते कि इन्होंने टेलीपोर्ट किया था, इसलिए वो गुस्सा होकर उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। रीड और बेन काफ़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं। लेकिन तभी होता ही है कि एक नज़र पड़ती है उनके मॉडल पर प्रोफेसर फ्रैंकलिन स्टॉर्म और उनकी बेटी सूजन की। वो वहाँ पर पहुँचते हैं एंड बताते हैं कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हैं, हमको तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। ऑल्सो यहाँ पर बेन और रीड को वो ये भी बताते हैं कि जिस मॉडल पे तुम काम कर रहे हो उस मॉडल पे वो भी काम कर रहे हैं एंड ये जो तुमने एरोप्लेन भेजा था ये ऐसा नहीं कि तुमने सहारा डेजर्ट भेजा है फिर अर्थ पे कहीं किसी रेगिस्तान वाले इलाके में भेजा, बल्कि जो ये तुम टेलीपोर्ट कर रहे हो ये जाता है एक अनदर डायमेंशन में, एक किसी दूसरे प्लानट पर, और उसके बाद फिर वो वापस आते हैं। एंड ये बात सुन के बेन और रीड भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। प्रोफेसर फ्रैंकलिन स्टॉर्म उन दोनों को ये बताते हैं कि वो बैक्स्टर फाउंडेशन से आए हैं और उनको स्कॉलरशिप देना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए एंड वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ पर मोस्टली यंग स्टूडेंट्स आते हैं अपने आइडियाज़ के साथ। उसके बाद आगे फिर रीड और बेन पहुंच जाते हैं बैक्स्टर फाउंडेशन। धीरे धीरे रीड और सूजन के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाती है एंड दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत फीलिंग्स रखने डेवलप करने शुरू कर देते हैं। फ्रैंकलिन पूरे अपने बोर्ड मेंबर से बात करते हैं कि वो विक्टर वॉर्म डूम को भी लेके आना चाहता है जो कि उनका एक टाइम पर स्टूडेंट रह चुका है, पर उसने कुछ ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से उसको जेल में होना चाहिए था, पर वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जितने बोर्ड रूम के मेंबर्स होते हैं वो मना करते हैं, बट उसका टैलेंट जानने के बाद वो विक्टर को अलाउ कर देते हैं कि ठीक है तुम उसको लेके आ सकते हो बाबा प्रोजेक्ट में। फ्रैंकलिन पहुंचता है विक्टर वॉर्म डूम के घर पे एंड कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम प्रोजेक्ट ज्वाइन करो, पर विक्टर मना करते हैं उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर ले। वो कहते हैं कि नहीं, मैं प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूं एंड बोर्ड मेंबर्स वो अलाउ नहीं करते। लेकिन फ्रैंकलिन यहाँ पर कन्फर्म करते हैं कि बोर्ड मेंबर्स परेशान नहीं करेंगे और ऊपर से जब उसको पता चलता है विक्टर को कि सूजन भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है तो वो हाँ कर देता है तुरंत। उसके बाद फिर फ्रैंकलिन सूजन को, विक्टर को और रीड को एक दूसरे इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड यहाँ पे सूजन बताती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उनको एक पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि उसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस के थ्रू उन्होंने एक ड्रोन को भेजा था एंड ड्रोन तो वापस नहीं आया, लेकिन उसे दूसरे प्लैनेट पर जाके कुछ इमेजेस और कुछ वीडियोस भेजी हैं। उसी के साथ फ्रैंकलिन ये कहता हूँ तीनों से कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करो। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रैंकलिन के बेटे के बारे में, या फिर सूजन का भाई जॉनी स्टॉर्म, जो कि इलीगल स्ट्रीट रेसिंग करते हैं और एक बार रेसिंग में ही उसकी कार में एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसका हाथ भी टूट जाता है। और फिर फ्रैंकलिन को जब ये बात पता चलती है
कि वो रेसिंग करना था, रेसिंग करने की कोशिश करी तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है मैं तुम्हारी गाड़ी रख लूँगा, तुमको कभी लौटाऊंगा नहीं। जॉनी कहता है कि प्लीज़ मेरी कार वापस कर दो, ये मैंने सबको जब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था। तो वो कहता है ठीक है, एक शर्त में तुमको तुम्हारी गाड़ी वापस करूँगा, वो ये है कि तुमको लैब में हमारे साथ काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली अब रीड, विक्टर और सूजन की टीम में अब जॉनी भी जुड़ चुका है। अब सारे के सारे लोग एक साथ काम करना शुरू करते हैं एज ए टीम, एंड फाइनली वो जाके एक मशीन तैयार कर लेते हैं जो कि रीड के मॉडल पे बेस्ड थी बट एक लार्ज स्केल पे, और बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात एक्सपेंसिव भी, जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को इधर से उधर। यहीं पे ये भी होता है कि सू और रीड एक बार एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे होते हैं जिसको दूर से विक्टर देखता है एंड काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। तभी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे आते हैं एंड उनको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है जिसमें वो एक मंकी का इस्तेमाल करते हैं, एक बंदा का इस्तेमाल करते हैं एंड इसको सक्सेसफुली वो टेलीपोर्ट करके वापस बुला भी लेते हैं, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। एंड फिर वो ये बोलते हैं कि इस मिशन के लिए हम आगे नासा के लोगों को सेंड करेंगे। इंस्टेड यहाँ पे रीड, जॉनी, सू, विक्टर खुद से जाना चाहते थे ताकि उनका नाम हो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे नासा के लोगों को भेजेंगे। इस बात के सुनकर रीड, विक्टर और जॉनी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो डिसाइड करते हैं कि नासा के लोग पहले हैं, उससे पहले ही हम एक काम करते हैं, अपना फ्लैग लेके जाते हैं, अमेरिकन फ्लैग लेके जाते हैं एंड हम खुद ही इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेलीपोर्ट करते हैं उस दूसरी डायमेंशन पे एंड अपना नाम कमा लेते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का हुआ था, सिंस ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। इसी बीच यहाँ पे रीड बेन को भी कॉल करते हैं इस एक्सपेडिशन के लिए, कहते हैं कि कुछ भी हो जाए बेन, मैं तुम्हारे बिना इस मिशन पे नहीं जाना चाहता, तुमने मेरा बचपन साथ दिया तो आगे भी तुमको मेरा साथ देने देना है। तो फाइनली हो ये रहे कि रीड, बेन, जॉनी और विक्टर उस मशीन में जाते हैं एंड अपने आपको टेलीपोर्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सू देख लेती है कि कुछ खुराफाती हरकतें हो रही है एंड उनको रोकने की कोशिश करती है, बट उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट करके दूसरे डायमेंशन में जा चुके होते हैं। अभी जो डायमेंशन है बहुत अजीब सा है, यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ग्रीन कलर का लिक्विड लावा बह रहा है एंड जैसे वो अपना फ्लैग गाड़ते हैं तो ज़मीन टूटने लगती है, ज़मीन टूट के लिक्विड लावा बहता है। वो सारे के सारे लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन जॉनी पीछे रहता है। जॉनी रस्सी बांधता है ताकि किसी को भी ऊपर आने की ज़रूरत हो तो रस्सी से ईजिली वो खींच पाए। वो सारे के सारे आगे बढ़ते हैं एंड रीड उसी लिक्विड लावा में अपने हाथ डालते हैं, कहते हैं कि तो जिंदा एनर्जी है, इट्स अलाइव एनर्जी, एंड जैसे उसमें हाथ डालता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जैसे एक्सप्लोजन होता है सारी सारी ज़मीन टूटने लगती है एंड जॉनी इनको वापस खींचने की कोशिश करता है। रीड और बेन तो किस तरह वापस आ जाते हैं लेकिन यहीं पे विक्टर उस एक्सप्लोजन में समा जाता है, विक्टर को वापस नहीं लेके आ पाते, वापस टेलीपोर्टेशन वाली मशीन में बैठते हैं एंड सिंस यहाँ पे सू उनके ऊपर नज़र बनाए बैठी थी उनको वापस बुलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन जैसे ही वो सारे सारे लोग वापस आते हैं यहाँ पे होता है अगेन एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, और इस एक्सीडेंट में जॉनी के ऊपर आग लग जाती है, रीड के ऊपर कुछ होता है, बेन के ऊपर भी कुछ होता है एंड सू के ऊपर भी कुछ होता है। तो बेसिकली अब सारे के सारे लोग उस एनर्जी की वजह से अफेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ इनको हो गया है। एक्सप्लोजन के बाद रीड की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि जॉनी में आग लग रही है, वो काफ़ी डर जाता है एंड उसको बेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो बेन के पास पहुँचता है लेकिन बेन को ढूंढ नहीं पाता उन पत्थरों के बीच एंड तभी देखता है रीड कि उसकी जो टांग है वो इलास्टिक जैसी बहुत लंबी खिंच गई है। इसको देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बेहोश हो जाता है। अब कुछ वक्त बीत चुका है, एरिया 57 में एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है जहाँ पे उन सब पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि आफ्टर ऑल उस एक्सप्लोजन के बाद या फिर उस डायमेंशन में जाने के बाद इनकी बॉडीज पे क्या असर पड़ रहा है। रीड को काफ़ी टाइम के बाद होश आता है एंड जैसे होश आता है यहाँ पे हम देखते हैं कि रीड अपनी बॉडी को एक बार फिर से कंट्रोल कर सकता है, उसकी जो बॉडी खींची हुई है उसका नॉर्मल शेप में लेके आता है एंड उसको आवाज़ सुनाई देती है बेन की। वो बेन के पास जाता है एयर वेंट्स के थ्रू एंड वहाँ पे देखता है कि बेन बिल्कुल एक पत्थरों का दाना बन चुका है, रॉक्स हैं उसके आसपास, वो पूरा उसका शरीर ही पत्थर हो गया एंड उससे वो बोलते हैं कि मैं वापस आऊँगा तुम्हारी मदद करने के लिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा ज़रूर। और उसके बाद फिर रीड वहाँ से भाग जाता है। हार्वी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वॉन्ट्स टू नो द लोकेशन ऑफ रीड, रीड कहाँ पे वो जानना चाहता है। वो यहाँ पे थिंग या फिर बेन के पास जाता है, ऐसा कहते हैं कि तुम मेरी मदद करो रीड को ढूंढने के लिए, फिर जो जो मैं तुमसे कहूँगा उस चीज़ में मदद करो और उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए एक क्योर ढूंढूंगा कि तुम वापस कैसे हो सकते हो। अब एक साल बीत चुका है, यहाँ पे पेंटागन में हार्वी या फिर वही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक स्पीच दे रहा है एंड सबको बता रहे हैं आर्मी वालों को कि कैसे कैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके, चाहे फिर वो थिंग हो या बेन, सू हो या वो जॉनी, वो धीरे धीरे अब मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं एंड मिलिट्री काम करते करते वो सुपर सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक नॉर्मल सोल्जर को। उसी के साथ साथ वो जो दूसरी डायमेंशन, वो जो प्लैनेट था जहाँ से उनको पावर्स मिली थी, उसका नाम इन्होंने दिया है प्लैनेट ज़ीरो। और हार्वी का प्लान ये है कि उसी टेलीपोर्टेशन मशीन को दोबारा बनाया जाए और प्लैनेट ज़ीरो पे एक बार फिर से जाया जाए ताकि वहाँ से पावर्स गेन की जा सके एंड जितने भी उनके सोल्जर्स हैं उनको वो पावर्स देके उनको सुपर ह्यूमन बनाया जा सके। फ्रैंकलिन पहुँचा सू के पास मदद के लिए,
वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रीड को ढूंढो। सू कहती है कि रीड ने हमको धोखा दिया, वो हमको छोड़ के भाग गया। लेकिन फ्रैंकलिन ये कहते हैं वो भागा नहीं, वो बस डर गया था, वो भी एक बच्चा ही था जब उसको ये सब कुछ हुआ तुम्हारी तरह, इसलिए वो डर के भाग गया। लेकिन देखना वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, वो किसी मुसीबत में है, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो उसको ढूंढने में, क्योंकि रीड के बिना टेलीपोर्टेशन मशीन बनाना काफ़ी मुश्किल है। ऑल्सो यहाँ पर जॉनी या फिर ह्यूमन टॉर्च एक मिशन के लिए जा रहे हैं। सू ऑन दी अदर हैंड शुरू करती है रीड की तलाश। अब हम रीड को देखते हैं, रीड कहीं पे चेहरा बदल के रह रहे हैं, सिंस उसका चेहरा भी इलास्टिसिटी उसके पास पावर आ गई है, तो उसका जो फेस है उसको बिल्कुल चेंज कर सकता है एंड उसको किसी भी तरीके का मोल्ड कर सकता है उसको अपने अकॉर्डिंगली। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि रीड अभी भी अपने फ्रेंड बेन की तलाश कर रहे हैं, थिंग को उसके सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं एंड जानना चाह रहे हैं कि इसका क्योर क्या है। ऑल्सो रीड ने अपने लिए खुद के लिए एक सूट बना लिया है जिसमें वो इजीली स्ट्रेच कर सकता है। तो यहाँ पे रीड खुद एक और नई मशीन बना रहा है जो कि सिंगल पर्सन शटल है प्लैनेट जीरो पर जाने के लिए। सू किसी तरीके से रीड की सही लोकेशन पता कर लेती है। फिर होता ये है कि आर्मी और थिंग या फिर बेन रीड के पास जाते हैं, उस पर हमला करते हैं और उसको फाइनली कैप्चर कर लिया जाता है। रीड को वापस बेस पर बुलाया जाता है एंड यहाँ पे सू से कन्विंस करती है कि प्लीज़ एक बार फिर से वो गेट या फिर टेलीपोर्टिंग वाली मशीन बनाओ ताकि हम कुछ ना कुछ अपने बारे में जो भी कुछ है क्योर ढूंढ सकें। यहाँ पे फिर रीड तैयार होते हैं, कहते हैं ठीक है जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगा। एंड यहाँ पे रीड किस तरीके से जितने भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वो टेलीपोर्टिंग मशीन में उसको सॉर्ट आउट करते हैं। एंड उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हार्वी की एक टीम होती है जो कि उसी गेट या फिर उसी टेलीपोर्टेशन मशीन के थ्रू पहुँचती है प्लैनेट जीरो पे। जब प्लैनेट जीरो पहुँचते हैं यहाँ पे देखते हैं कि एक इंसान है जो कि सामने चलते हुआ आ रहा है एंड ये इंसान होता है विक्टर। दरअसल में विक्टर मरा नहीं था, वो तब से पिछले 1.5 साल से यहीं पे जिंदा था। विक्टर को वापस कहते अर्थ पे लेके आया जाता है। विक्टर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सब पूछ रहे थे क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे तुमने सर्वाइव किया, क्या क्या हुआ, तुम्हारे पावर्स क्या क्या हैं। लेकिन होता ये है कि विक्टर के यहाँ पे थे कुछ खुराफाती इरादे, वो अपने एक नया संसार शुरू करना चाहता था उस प्लैनेट जीरो पे। एंड यहीं पे विक्टर हार्वी उसकी पूरी की टीम को मार डालते हैं। इनफैक्ट उसके रास्ते में जो जो आता है वो सबको मारते रहते हैं। विक्टर की बॉडी पूरी पूरी मेटालिक है, उसके साथ उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स भी आ चुके हैं। विक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। विक्टर जाना चाह रहा है उसी टेलीपोर्टिंग मशीन के थ्रू उस दूसरे वर्ल्ड में। लेकिन होता यह कि सामने डॉक्टर फ्रैंकलिन आते हैं, एनिमल्स को समझाने की कोशिश करते बहुत प्यार से कि तुम समझ जाओ जो तुम करना चाह रहे हो वो गलत है, हम साथ मिलकर जो भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है उसको फेस करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे और तुमको ठीक करेंगे। लेकिन इसी बीच में फ्रैंकलिन को भी विक्टर मार डालता है। विक्टर अपनी टेलीपोर्टेशन मशीन के थ्रू बैठता है और प्लैनेट जीरो के पास पहुँचता है। अब विक्टर का प्लान ये है कि बेसिकली वो टेलीपोर्टिंग मशीन की इतनी पावर बढ़ा देगा कि पूरी अर्थ सकेंड हो जाएगी उस टेलीपोर्टिंग मशीन के थ्रू। तो बेसिकली एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा एंड ब्लैक होल क्रिएट होता है सो सब कुछ खींचा चला जाता है उस मशीन में, इंक्लूडिंग द 4 मेंबर्स, यानी कि सू, जॉनी, बेन और रीड। ये चारों सेकेंड हो जाते हैं टेलीपोर्टेशन मशीन के थ्रू एंड पहुंचे प्लैनेट जीरो पे, जहाँ पे विक्टर या फिर अब उसको डूम बोले तो अपने आप को डूम बुला रहे, उसने पूरे पूरे प्लैनेट पे कब्जा कर रखा प्लैनेट जीरो पे एंड धीरे धीरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ पे चारों एक एक करके उसे लड़ने की कोशिश करते हैं बट विक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सबको हराते जाते हैं। टीम यानी कि चारों के चारों लोग अपनी एनर्जी गैदर करते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि विक्टर को अगर हमको हराना है तो एक साथ काम करना होगा एंड दस यहाँ पे उनकी टीम शुरुआत होती है। चारों एक साथ लड़ना शुरू करते हैं डूम से एंड यहाँ पे बेन पीछे जाता है और डूम को बहुत तेज़ से मुक्का मारता है, बहुत तेज घुसा मारता है, जिसकी वजह से डूम उसी पोर्टल की एनर्जी के थ्रू उसी बीम में चले जाते हैं, जहाँ पे डूम इवेपोरेट हो जाता है और जॉनी इतनी देर में उस पोर्टल को क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से डूम भी मर जाता है एंड वो पोर्टल भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसी पोर्टल के जरिए विच उस बीम के जरिए और टेलीपोर्टिंग मशीन के जरिए वो वापस पहुंच जाते हैं अर्थ पे। और अर्थ पे आने के बाद उनकी और गवर्नमेंट के बीच में एक डील होती है जहाँ पे US गवर्नमेंट उनको एक नया बेस देती है जहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज, अपनी पावर्स, अपनी शक्तियों का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एंड उस बेस का नाम है सेंट्रल सिटी। लास्ट में चारों डिसाइड करते हैं कि हम अपनी पावर्स से लोगों की या फिर मानवता की भलाई करेंगे और अपने आप को नाम देते हैं फैंटास्टिक फोर, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया। आपको कैसी लगी थी फिल्म वो जाकर मुझे कमेंट में जरूर बताइए। उसी के साथ साथ आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था फैंटास्टिक फोर फिल्म में से वो भी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरा यूजर नेम अपनी स्क्रीन पर पढ़ ही सकते होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। Thank you so much. Take care. Bye.